नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस बार देवभूमि उत्तराखंड की मानस खंड झांकी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस 2023 परेड के लिए उत्तराखंड राज्य की चयनित मानस खंड की झांकी का निरीक्षण कर उसमें शामिल प्रदेश के कलाकारों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि ये मनोरम झांकी कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो मानस खंड के अंतर्गत जागेश्वर धाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऐपण कला पर आधारित होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना पर काम किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मानसखंड पर आधारित झांकी का प्रदर्शन होगा। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए 27 राज्यों ने अपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे, जिनमें से 16 राज्यों का ही अंतिम चयन हुआ है। उत्तराखंड ने अभी तक 13 बार झांकियों का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस पर किया है। इसमें साल 2003 में फूलदेई, साल 2005 में नंदा राजजात, साल 2006 में फूलों की घाटी, साल 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, साल 2009 में साहसिक पर्यटन, साल 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार, साल 2014 में जड़ी बूटी, साल 2015 में केदारनाथ, साल 2016 में राममार्ग, साल 2019 में अनाशक्ति आश्रम, साल 2021 में केदारखंड और साल 2022 में प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड सम्मिलित है। और अब जानकारी के लिए बता दें कि इस बार राज्य का सुप्रसिद्ध छोलिया नृत्य बेडूपाकू की धुन पर होगा और इस तरह कर्तव्य पथ पर मानसखंड को दर्शाया जाएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।